नमस्कार, मेरा नाम शुभम यादव है और आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। आज का जो मुद्दा है वो इज्जत से जुड़ा हुआ है। इज्जत बरकरार रखने के लिए हम और आप क्या नहीं करते, लेकिन यूपी के सरकारी सिस्टम ने विकास की लालटेन को ऐसा लटका दिया है जहां लालटेन जलाया जा सकता है ना अंधेरे को दूर किया जा सकता है। चुनावी समर के दौरान अपने गीतों से सरकार की तशरीफ लाल कर देने वाली नेहा सिंह राठौर को वो गाना यूपी में काबा आज भी बड़ा सवाल बनकर बरकरार होता तब नजर आता है जब उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से पंचायतों के विकास की ऐसी दुर्दशा की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। एक देसी कहावत है, आए न जाए एक और रथी और नाम रखाए भागीरथी। ऐसा ही हाल दिखा बस्ती जिले की पंचायत गौराधुंधा में, जहां बने शौचालय के बारे में मैं कुछ जिक्र करूं उससे पहले ये तस्वीर के जरिए आप बाबा के विकास पर एक नजर मार लीजिए। हेरा फेरी की अक्षय कुमार की तरह शौचालय जाना हो तो गाना गाकर ही इज्जत बतानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी हाल बद से बदतर है। यहाँ तो हाल ये है जनाब कि एक ही कमरे में दो दो सीटें लगवा दी गई हैं और सरकारी सिस्टम को मजबूत बनाने का वादा जो सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में कर रही है, योगी की सरकार लगातार ये बता रही है, ये जता रही है कि लगातार विकास किया जा रहा है, वो विकास के दावे खोखले नजर आने लगते हैं। गौराधुंधा में बना यह इज्जत घर भी कह रहा होगा कि कैसे पड़ा ये मेरा नाम जाने। खैर, सरकारी सिस्टम की ये तस्वीर किसी गरीब को कहने पर मजबूर कर देगी कि साहब लेटरिन का पैसा खा गए। अंततः कहा यह जा सकता है कि देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।